जय हिंद दोस्तों मैं अरविंद शर्मा अंबिका क्लासेज उदयपुर आज अपन फर्स्ट टॉपिक लेते हैं मैथमेटिक्स का जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस तो चलिए प्रॉफिट लॉस क्या होता है किसी भी आइटम को ख़रीद के बेचते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस होता है प्रॉफिट कब होगा जब कम में खरीद के ज़्यादा में बेचेंगे प्रॉफिट होगा लॉस कब होगा जब ज़्यादा में खरीद के कम में बेचेंगे तो लॉस होगा एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझते हैं कि प्रॉफिट क्या होता है प्रॉफिट परसेंट क्या होता है लॉस क्या होता है लॉस परसेंट क्या होता है बिल्कुल जीरो लेवल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बिल्कुल ज़ीरो लेवल से ताकि छोटे से छोटे एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन आए वो भी आप कर सकूँ प्रॉफिट क्या होता है तो देखिए किसी चीज़ को ख़रीदा मैंने चालीस रुपये का ख़रीदा उसको सीपी कहते हैं सीपी मतलब करें मूल्य और इसको मैंने बेचा कितने रुपए का पचास बेचा उसको सेल प्राइस कहते हैं मतलब विक्रय मूल्य कहते हैं खरीदा कितने का चालीस बेचा कितने का पचास इस सौदे में बताइए प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ तो इस सौदे में मेरे को प्रॉफिट हुआ सबको पता है आइटम को खरीदा चालीस का है बेचा पचास का है तो सौदे में प्रॉफिट होगा प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ तो दस रुपए का हुआ अच्छा ये बताइए प्रॉफिट लॉस होता क्या है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर खरीदा इतने का और बेचा इतने का इन दोनों का जो अंतर है वो प्रॉफिट है ज़्यादा में बिक रहा है प्रॉफिट हो रहा है दस रुपये का अगर आपको परसेंट प्रॉफिट चाहिए तो इस दस के नीचे क्या लगेगा सीपी, सीपी आपका चालीस रुपये है परसेंट वर्ड जब भी चाहिए दिमाग में एक चीज डाल लीजिए कि प्रतिशत प्रॉफिट और लॉस दोनों ही कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकलेगा यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना आपका 40 तो 10 अपॉन फोर्टी इंटू हंड्रेड ये परसेंट प्रॉफिट है ये क्या है प्रॉफिट ये क्या है प्रॉफिट परसेंट निकालना है किसका प्रॉफिट का प्रॉफिट का प्रॉफिट परसेंट निकालना है 10 नीचे 40 क्यों लगा क्योंकि प्रॉफिट परसेंट हमेशा सी पी निकलता है टेन अपॉन फोर्टी इंटू हंड्रेड यानी इस सौदे में मेरे को पच्चीस परसेंट का प्रॉफिट हुआ मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाना चाहिए केवल ये ये बता रहा है कि प्रॉफिट होता क्या है चालीस की चीज़ पचास में बेची दस रुपये का प्रॉफिट हुआ अगर आपको प्रॉफिट परसेंट चाहिए तो टेन के नीचे सीपी लगेगा आपसे कोई भी पूछ ले प्रॉफिट परसेंट किस पे निकलता है कॉस्ट प्राइस पे निकलता है मत बोलो कुछ भी मत बोलो एस पी सी पी एम आर पी कुछ भी मत बोलिए बाई डिफ़ॉल्ट प्रॉफिट परसेंट हमेशा किस पे निकलता है सी पी तो प्रॉफ़िट परसेंट अगर चाहिए आपको तो नीचे कुछ लगेगा प्रॉफिट नीचे से पी इन हंड्रेड अब अपन आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन को देखिए अगर मान लो ये क्वेश्चन ऐसा होता कि पचास रुपये में खरीद कर इसको चालीस रुपये में बेचते उल्टा क्वेश्चन है पचास में खरीद के चालीस रुपये में बेच रहे हैं पचास में पचास क्या है खरीदा हुआ और चालीस क्या है बेचा हुआ पचास में खरीदा है चालीस में बेचा है आपने इस सौदे में आपको क्या होगा लॉस अच्छा कितने रुपए का लॉस है दस रुपए का ये रुपए है रुपए अलग है और परसेंट अलग लॉस हुआ दस रुपए का और अगर परसेंट लॉस चाहिए तो दस के नीचे क्या लगेगा पचास इंटू सौ फिर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो बाई डिफ़ॉल्ट किस पे निकलता है सी पे दस क्या है लॉस है लॉस को परसेंट लॉस में कन्वर्ट करना है तो लॉस तो ऊपर रहेगा लेकिन उसके नीचे क्या लगता है सी तो टेन अपॉन फिफ्टी इन हंड्रेड और इस सौदे में मेरे को बीस परसेंट का लॉस हुआ क्वेश्चन दोनों क्लियर हो जाने चाहिए इस सौदे में आपको प्रॉफिट हो रहा है और इस सौदे में आपको लॉस हो रहा कोई आपसे पूछे लॉस बीस किसका है ये बीस लॉस पचास का पचास के माल पर बीस लॉस हुआ पचास का बीस परसेंट कितना होता है दस दस रुपये का लॉस हुआ पचास में से दस खत्म करते हैं तो कितना आता है चालीस इस क्वेश्चन में इन दोनों क्वेश्चन में एक चीज़ समझने की प्रॉफिट परसेंट किस पे निकलता है सी पे लॉस परसेंट भी किस पे निकलता है सी पे नीचे सी लगता है इन टू हंड्रेड प्रॉफिट लॉस क्या होता है सी और एस का अंतर होता है थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है अपना समझना कोई अगर आपको ये कह दे 20% परसेंट का प्रॉफिट हुआ 20% परसेंट का प्रॉफिट हुआ ये पूरे टॉपिक में मैं केवल दो वर्ड बोलूँगा या तो कम होगा या ज़्यादा होगा देखो बच्चों मैथमेटिक बहुत आसान है कोई फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है केवल दो वर्ड से पूरा प्रॉफिट लॉस खत्म कर दूंगा या तो टॉपिक में प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा बीस प्रॉफिट हुआ इसका मतलब यह है कि आपने जितने में भी ख़रीदा था जितने में वो आया माल उसका 20% परसेंट आपने कमाया और फिर बेचा 20% परसेंट प्रॉफिट किसका हुआ जितने में आपने ख़रीदा उसका 20% परसेंट कमाया आपने और फिर आपने बेचा 20% परसेंट प्रॉफिट का अगर सही डेफिनेशन दूँ तो प्रतिशत हमेशा सौ में जुड़ता है तो हंड्रेड का ट्वेंटी निकलेगा हंड्रेड का ट्वेंटी परसेंट होगा हंड्रेड में आपने खरीदा है और ट्वेंटी आपने कमाया है तो आपने बेचा कितने का है वन ट्वेंटी देखिए इधर मान लीजिए आपने हंड्रेड में ख़रीदा है और हंड्रेड का ट्वेंटी परसेंट कितना होता है ट्वेंटी और बेचा कितने का वन ट्वेंटी ये क्या है आपका सी पी ये क्या है आपका प्रॉफिट ये आपका प्रॉफिट है और ये क्या है आपका एस पी इन तीनों चीज़ों को समझना बीस परसेंट क्या है आपका प्रॉफिट बीस परसेंट आपका प्रॉफिट परसेंट है अगर मान लीजिए मैं इधर 100 लेता हूँ तो 100 का 20 परसेंट ट्वेंटी होता है 100 का 20 परसेंट ट्वेंटी हंड्रेड में 20 जोड़ने पर कितना आएगा 120 ट्वेंटी तो ट्वेंटी परसेंट की डेफिनेशन क्या बनी सोई क्यों लिया क्योंकि उसका परसेंट उतना ही होता है इस पूरे ब्रह्मांड में सोई एक ऐसा डेटा है जिसका परसेंट डायरेक्ट उस वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है मान लीजिए अगर आपको कोई कहे कि 20 परसेंट प्रॉफिट हुआ इसका क्या मतलब है इसका मतलब है सो की चीज कितना एक सौ में ख़रीद के एक सौ बीस में बेचिए सौ क्या बता रहा खरीदा एक सौ बीस क्या बता रहा बेचा ट्वेंटी क्या बता रहा प्रॉफिट सौ में ख़रीदा है और एक सौ बीस रुपये में बेचिए आपको ट्वेंटी परसेंट का प्रॉफिट होगा अगर कोई कहते ट्वेंटी परसेंट लॉस हुआ इसका क्या मतलब है इसका मतलब है यहाँ पर हंड्रेड ही लेना है हंड्रेड में से ट्वेंटी माइनस कीजिए आपने कितने में बेचा उसको एटी देखिए वापस क्लियर कर देता हूँ बीस परसेंट प्रॉफिट का मतलब क्या है तो 20 परसेंट प्रॉफिट का मतलब एक सिंपल सा है सो में खरीदिए 20 जोड़िए 120 में बेचिए 20 परसेंट लॉस का क्या मतलब है सो में खरीदिए 20 कम कीजिए 80 में बेचिए ये 20 परसेंट लॉस का मतलब है अगर आपको कोई कह दे दस परसेंट प्रॉफिट हुआ इसका क्या मतलब है तो दस परसेंट प्रॉफिट का मतलब बच्चों सो की चीज़ कितना एक में जा रही है अच्छा दस लॉस हुआ इसका क्या मतलब है दस लॉस हुआ सी कितना होगा सो अच्छा एस कितना होगा आपका नाइन्टी सो so, नाइन्टी और लॉस कितना होगा आपका टेन अच्छा मान लीजिए अगर कोई आपको यह कह दे कि पच्चीस परसेंट प्रॉफिट हुआ इसका क्या मतलब है इसका मतलब है 100 की चीज़ कितना एक सौ पच्चीस अच्छा पच्चीस परसेंट लॉस हुआ इसका क्या मतलब है इसका मतलब है 100 की चीज़ कितना बच्चों पचहत्तर कॉमन सी बात है आपको मैंने डेफिनेशन बताई कोई कह दे एक परसेंट का प्रॉफिट हुआ इसका क्या मतलब है तो सौ का माल एक सौ एक में जा रहा है दो परसेंट का लॉस हुआ इसका क्या मतलब है तो सोका माल नाइन्टी एट में जा रहा है चालीस परसेंट प्रॉफिट हुआ इसका क्या मतलब है सोका माल एक सौ चालीस में जा रहा है भाई प्रॉफिट का मतलब है आप सौ में जोड़ के लिख दीजिए और लॉस का मतलब क्या है आप सौ में से घटा के लिख दीजिए बच्चों यही एक इतनी सी डेफिनेशन से मैं पूरा टॉपिक खत्म कर दूंगा जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस देखिए इधर अपन फिर आगे बढ़ते हैं देखो बच्चों अगर कोई यह कह दे कि सर मेरे को 20 परसेंट का प्रॉफिट हुआ है और मैंने उसको 960 सौ का बेचा है कितने रुपए का बेचा 960 इस क्वेश्चन में अपने पास क्या क्या है एक तो प्रॉफिट परसेंट है वो कितना है 20 परसेंट और एक आपका एस है और बच्चों एस कितना है आपका 960 और आपसे क्या पूछा गया है तो आपसे पूछा गया है सी क्वेश्चन चाहे कितना भी बढ़ाऊ उसको एरो में कन्वर्ट कर लो मेरे को नहीं लगता कि मैथमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन दस सेकेंड से ज़्यादा का होता है आप केवल कंसेप्ट को समझना आपने बेचा कितने का नौ सौ साठ और बीस परसेंट कमाया इस क्वेश्चन को देखिए आप यह एसपी पी क्या बता रहा है बेचा बेचा इधर आएगा यह लीजिए नौ सौ साठ अच्छा प्रॉफिट कितना हुआ बीस परसेंट प्रॉफिट प्लस से रिप्रेजेंट होता है ये बीस परसेंट अच्छा दो वैल्यू है तीसरी आ जाती है यही मैथमेटिक्स का रूल है दो वैल्यू है तो तीसरी आ जाएगी अच्छा 20 परसेंट प्रॉफिट है इसका मतलब है अगर इधर 100 है तो इधर कितना होगा 120 परसेंटेज कहीं पर भी हो पूरी मैथमेटिक डेफिनेशन से चलती है कोई भी टॉपिक पढ़िए डेफिनेशन देना सीख जाइए 20 परसेंट प्रॉफिट की क्या डेफिनेशन है सो में ख़रीदा तो कितने में बेचो एक सौ में ख़रीद के एक में बेचिए सो ही क्यों लेता हूँ ताकि परसेंट डायरेक्टली जुड़ के डेफिनेशन बन जाए कोई कहे सर मैं तो इधर 80 लूँगा तो 80 का 20 परसेंट नाइन्टी होगा 80 का 80 में 20 मत जोड़ देना क्योंकि 80 का 20 परसेंट ट्वेंटी नहीं होता है। 80 का 20 परसेंट सिक्सटीन होगा तो 80 प्लस सिक्सटीन नाइन्टी लिखना पड़ेगा इधर क्यों करें अपन इतनी मेहनत सिंपल सा तरीका है भाई इधर सो ले लो ना और 100 में 20 परसेंट मतलब 20 जोड़िए आप 100 प्लस ट्वेंटी कितना हो जाएगा वन दो वैल्यू है फिर तीसरी आ जाएगी अच्छा लाते कैसे वो भी देखो केवल दस मिनट ढंग से समझना दस मिनट बाद तो आप खुद करने लग जाओगे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैं आपको पढ़ाऊंगा लेकिन मैं आपको फिर क्लियर कर देता तो हूँ आप खुद के क्वेश्चन बनाइए और खुद ही सोल्व कीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है केवल दस मिनट देखना आप नाइन सिक्सटी को खींच के मेरे को यहाँ लाना है तो नाइन सिक्सटी लिख दीजिए ये लीजिए नाइन सिक्सटी याद रखो मैथमेटिक्स में एक किनारा है तो दूसरे सारे किनारे आ जाते हैं नाइन सिक्सटी से मेरे को ये लाना है नाइन सिक्सटी को झटका देना है इधर नाइन सिक्सटी को इधर खींचना है इधर खींचना है नाइन सिक्सटी को आपको इधर खींचना है जब मैं इधर खींचता हूँ तो इस डेफिनेशन में देखिए गौर से देखो इस डेफिनेशन में इधर जाना है मेरे को तो जिधर जाना है वो ऊपर रहेगा इधर जाना है तो हंड्रेड ऊपर रहेगा ऊपर हंड्रेड नीचे क्या रहेगा वन ट्वेंटी कैंसिल कर दीजिए मतलब आपने उस वस्तु को कितने में ख़रीदा है आठ सौ कहने का मतलब ये था वापस देख लीजिए इस क्वेश्चन को क्वेश्चन में यह था कि परसेंट कितना है बीस परसेंट और एस पी कितना आपका नाइन सिक्सटी और आपसे क्या पूछा गया है सी पी ये मेरा क्वेश्चन है देखो इधर ये क्वेश्चन है सिंपल सा और इसमें बहुत बड़ी स्टोरी आ जाएगी कि किसी वस्तु को नौ सौ साठ रुपये में बेचने पर बीस परसेंट का प्रॉफ़िट होता है तो सी पी बताई नौ सौ साठ रुपये में बेचने पर बीस परसेंट का प्रॉफ़िट होता है तो सी पी बताई मैथमेटिक्स क्या है लोकेशन है लोकेशन को समझिए नौ सौ साठ रुपये में बेचा बेचा यहाँ पर आएगा बीस परसेंट का प्रॉफ़िट हुआ तो सी पी बताई ये लीजिए एरो बन गई एस पी कितना आपका एस पी मतलब आपका विक्रय मूल्य आपका विक्रय मूल्य कितना है विक्रय मूल्य आपका 960 अच्छा लाभ कितना आपका लाभ परसेंट में 20 परसेंट ये लीजिए यहाँ लाभ आ जाएगा यहाँ पर 960 आ जाएगा ये आपके रुपया है और आपसे क्या पूछा गया है शिपिंग वापस क्लियर कर लीजिए कि मैंने क्या समझाया था नौ सौ साठ रुपये में आपने बेचा और बीस परसेंट का आपको प्रॉफिट हुआ है और आपको सीपी चाहिए मैं फिर क्लियर कर देता हूँ मैथमेटिक्स चलती है डेफिनेशन से दो वैल्यू है तीसरी आ जाएगी कोई फॉर्मूला नहीं है मैथ में केवल कंसेप्ट को समझना एक बार कंसेप्ट क्लिक हो गया पूरा टॉपिक आपको उसी तरीके से करना बीस परसेंट प्रॉफिट हुआ इसका मतलब अगर इधर सो है तो इधर कितना है बच्चों एक सौ बीस आपको नाइन सिक्सटी को खींच के एक किनारे से दूसरा किनारा आ जाता नाइन सिक्सटी को खींचना है ये लीजिए नाइन सिक्सटी अच्छा किधर खींचना है इस नाइन सिक्सटी को इधर खींचना है इधर तो डेफिनेशन को देखिए डेफिनेशन ये है बोल ऊपर कितना है हंड्रेड इधर जाना है तो जिधर जाना है वो ऊपर रहता है बोल ये क्या रहेगा हंड्रेड और नीचे क्या रहेगा वन ट्वेंटी कैंसिल कर दीजिए मतलब इस वस्तु को कितने रुपये में खरीदा आपने आठ सौ कॉमन सी बात है आठ सौ में खरीदा है नौ सौ में बेचा है इन दोनों का जो अंतर है वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा प्रॉफिट रुपए में कितना है तो प्रॉफिट रुपए में 160 प्रॉफिट परसेंट में कितना है तो प्रॉफिट परसेंट में 20 परसेंट है अच्छा किसका 20 परसेंट है तो ये 900, 800 का 20 परसेंट और 800 का जो 20 परसेंट होता है वो कितना होता है 160। ख़रीदा इतने का बेचा इतने का प्रॉफिट इतने का प्रॉफिट परसेंट इतना।, इतना किसका बीस है तो ये एट का बीस अच्छा दिया क्या था दो वैल्यू दी थी पूछा क्या है ये वैल्यू पूछी जा रही है ये आ गया तो क्या हो जाएगा ये भी आ जाएगा अच्छा प्रॉफिट रुपए में पूछे तो वन सिक्सटीन प्रॉफिट परसेंट में पूछे तो ट्वेंटी परसेंट खरीदा पूछे तो आठ सौ रुपये बेचा पूछे तो नौ सौ साठ और दो वैल्यू है और तीसरी आ जाएगी फिर अपन आगे बढ़ते हैं मान लीजिए इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे कर दूँ कि प्रॉफिट की जगह आपको लॉस है लॉस कितना है ट्वेंटी परसेंट इसके अलावा आपका एस है वो कितना है नौ सौ और आपसे क्या पूछा गया है आपसे सी पूछा गया है तो चलिए चेक करते हैं इस क्वेश्चन में उससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या अंतर था वहाँ पर प्रॉफिट था प्रॉफिट कितना था 20 परसेंट अच्छा यहाँ पर एस कितना था एस कितना था 960 और आपसे क्या पूछा गया था तो आपसे सी पूछा गया था यह आपका फर्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर वन और यह आपका सेकेंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू इन दोनों में अंतर को देखिए मैथमेटिक्स केवल अंतर से चलती है ये क्वेश्चन क्या है और ये क्वेश्चन क्या है यहां तक क्लियर होगा बच्चों अब अपन आगे बढ़ते हैं अच्छा इस क्वेश्चन को देखिए लॉस है बीस परसेंट ये लीजिए यहाँ पर कितना आ गया ट्वेंटी परसेंट अच्छा एस पी एस पी है नाइन सिक्सटी है अच्छा पूछा क्या गया है पूछा आपसे सी पी गया है चलिए अपन निकालते हैं अच्छा वो क्वेश्चन तो आपके क्लियर होगा ये क्वेश्चन गया था वापस क्लियर कर देता हूँ नाइन सिक्सटी में आपने बेचा था मैंने आपको कुछ भी नहीं पढ़ा केवल दो वर्ड पढ़ा है उससे दुनिया का प्रत्येक क्वेश्चन हो जाएगा सी इधर होता है एस इधर होता है एरो इसी तरीके से बनाई खरीदा गया है बेचा गया है प्रॉफिट लॉस एरो के ऊपर है इस क्वेश्चन में क्या था यहाँ पर था बीस प्रॉफिट हुआ और आपसे क्या पूछा गया था आपसे सी पूछा गया था बीस परसेंट प्रॉफिट का इस एरो पे डेफिनेशन क्या है कि शो में खरीदिए और कितने में बेचिए एक और उसको खींचा था अपन ने ये लीजिए नाइन सिक्सटी इंटू हंड्रेड अपॉन वन ट्वेंटी किधर आना था इधर तो इस डेफिनेशन में से आप देखिए आपको इधर आना है तो ऊपर वो रहेगा जिधर आपको जाना है आपको इधर जाना है तो ऊपर क्या रहेगा हंड्रेड अगर उधर जाना होता तो ऊपर क्या रहता वन ट्वेंटी आपको इधर आना है तो ऊपर हंड्रेड और नीचे क्या रहेगा वन ट्वेंटी यहाँ पर आ जाइए देखिए बीस परसेंट लॉस का मतलब है सौ की चीज़ कितना अस्सी अच्छा वहाँ पर एक सौ बीस क्यों आया अरे बच्चों वो प्रॉफिट है सौ प्लस बीस एक सौ बीस आएगा अच्छा यहाँ पर एटी क्यों आया हंड्रेड माइनस ट्वेंटी एटी आएगा क्योंकि यहाँ पर आपको लॉस हुआ है अगर आपको इधर खींचना है तो ये लीजिए नाइन सिक्सटी किधर जाना है नाइन सिक्सटी को किधर खींचना है इधर जो आपका नाइन सिक्सटी है वो किधर जाएगा वो इधर जाएगा ये ऊपर कितना हंड्रेड और नीचे कितना होगा 80 अच्छा मैं कैंसिल कर दूं तो बच्चों ये कितना 12 और ये 1200 यानी आप बताइए उस वस्तु को कितने में ख़रीदा गया बारह सौ आपके क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा बारह सौ अच्छा बेचा कितने का गया नौ अच्छा लॉस पूछे तो कितना हो जाएगा लॉस हो गया 240 240 रुपए का लॉस है ये लॉस है बच्चों अच्छा लॉस परसेंट आपको दे रखा है कितना आपका 20 परसेंट एस आपको दे रखा है दो वैल्यू है तीसरी आ जाएगी अच्छा लॉस पूछे 240 फोर्टी सी पी पूछे ट्वेल्व और परसेंट लॉस पूछे कितना 20 परसेंट अभी तक मैंने दो क्वेश्चन आपको समझाए क्या थे दो क्वेश्चन कि ये दे रखा था और ये दे रखा था ये पूछा जा रहा था और दूसरे में ये और ये दे रखा था और ये पूछा जा रहा है लेकिन एक में प्रॉफिट है और एक में लॉस फिर अपन आगे बढ़ते हैं देखिए देखो बच्चों मान लीजिए इस बार अपन को दे दिया कि सी आपका सी आपका सिक्सटी है सी आपका सिक्सटी है और जो प्रॉफिट है वो ट्वेंटी परसेंट और आप बताइए एस कितना है ये मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है इस बार डायरेक्शन को देखते हैं कि डायरेक्शन क्या है आपको क्या क्या दे रखा है सी पी इधर होता है ये कितना है बच्चों साठ अच्छा आपको क्या दे रखा है प्रॉफिट प्रॉफिट प्लस का होता है और आपसे क्या पूछा गया है एस एस पी आपको बताना दोनों तरीके हैं कि या तो आप 60 का 20 परसेंट प्रॉफिट रुपये में कन्वर्ट कर दो ये 60 है 60 का 20 परसेंट सिक्सटी का 20 परसेंट कितना होता है बारह रुपया साठ प्लस बारह ये बहत्तर रुपये में जाएगा या फिर डेफिनेशन से कर दो कि 20 परसेंट प्लस की डेफिनेशन क्या है 20 परसेंट प्रॉफिट की डेफिनेशन है अगर इधर शो है तो इधर कितने में जाएगा एक इस एरो को खींचना है आपको कोई भी डेफिनेशन दीजिए बीस परसेंट प्रॉफिट का क्या मतलब है सो का माल एक सौ बीस में जाएगा सो का माल एक सौ बीस रुपये में जाएगा आपको सिक्सटी को खींचना है ये लीजिए अच्छा किधर खींचना आपको इधर तो ऊपर क्या रहेगा इस बार ऊपर क्या रहेगा वन ट्वेंटी क्योंकि आपको इधर जाना है ये लीजिए वन ट्वेंटी कितना हंड्रेड यानी कितना हो गया सेवेंटी टू कॉमन सी बात है इससे पहले वाले दोनों क्वेश्चन में आपको इधर आना था अब इस बार क्या हो रहा है आपको इधर जाना है डेफिनेशन चाहे कुछ भी बने आपको जिधर जाना है बस उसको ऊपर रख दीजिए बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर सो ऊपर लिखे वन ट्वेंटी अरे भाई कुछ करने की जरूरत ही नहीं है इधर सी पी है इधर एस पी है डेफिनेशन इस तरीके से चलती है सो की चीज एक सौ बीस है अब आपको इधर जाना है तो सो इधर है या एक सौ बीस इधर है तो एक सौ बीस इधर है तो आपको वन ट्वेंटी को ऊपर लिखना है देखिए हंड्रेड वन ट्वेंटी आपको इधर जाना है तो ऊपर वन ट्वेंटी नीचे हंड्रेड मान लीजिए इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे कर दूँ सी आपका वही साठ रुपये अच्छा जो लॉस है जो लॉस है वो आपका ट्वेंटी परसेंट है और आपसे पूछा गया एस पी चलिए स्टार्ट करते हैं आपको कुछ नहीं करना डेफिनेशन बनाइए एरो के ऊपर लिखिए साठ रुपये में ख़रीदा है आपने बीस परसेंट का लॉस हुआ है आपको और आपने कितने में बेचा है ये मेरे को स्टार्ट करना साठ रुपये में ख़रीदा है लॉस हुआ है बीस बेचा है कितने का ये पूछा जा रहा है तो कॉमन सी बात है बीस परसेंट लॉस की डेफिनेशन सो की चीज कितना अस्सी आपको साठ को खींचना है किधर खींचना है उधर लीजिए सिक्सटी हो गया अब आपको उधर जाना है आपको उधर जाना है तो ऊपर क्या रखना है एटी और नीचे क्या रखना है हंड्रेड देखिए इधर जाना है तो एट्टी ऊपर रहेगा नीचे क्या रहेगा हंड्रेड यानी कितने में बेचा आपने फोर्टी एट वापस समझ लो साठ रुपये में ख़रीदा है बीस परसेंट का लॉस है बीस परसेंट लॉस का क्या मतलब है कि सौ में खरीदो तो अस्सी में बेचो मैथ में कुछ भी नहीं है डेफिनेशन ट्वेंटी परसेंट प्रॉफिट सौ की चीज एक सौ बीस ट्वेंटी परसेंट लॉस सौ की चीज अस्सी किधर जाना है उधर जाना उधर गए तो स्कोप पर लिखो और इधर आए तो स्कोप पर लिखो यहाँ पर देखिए खरीदा आपने साठ का बेचा आपने अड़तालीस का लॉस आपको बारह रुपये का परसेंट लॉस आपको बीस परसेंट किसका बीस परसेंट है सिक्सटी का और सिक्सटी का ट्वेंटी परसेंट कितना होता है ट्वेल्व अभी तक मैंने क्या क्या समझाया वापस देख लीजिए पहला क्वेश्चन था अपना वापस लेते हैं अपन सभी क्वेश्चन को पहला क्वेश्चन था एस पी एस पी आपका था 960 और प्रॉफिट कितना था आपका 20% परसेंट और पूछा क्या गया था आपसे सी पी दूसरा क्वेश्चन था एस पी आपका कितना था 960 और लॉस कितना था आपका 20% परसेंट और सी पी पूछा गया था तीसरा क्वेश्चन था आपका सी पी सीपी कितना था सिक्सटी प्रॉफिट कितना था ट्वेंटी परसेंट और आपसे एसपी पूछा गया था और नेक्स्ट क्वेश्चन था सीपी वो कितना था आपका सिक्सटी और लॉस कितना था आपका ट्वेंटी परसेंट और आपसे एसपी पूछा गया था बच्चों ये अपने चार क्वेश्चन थे इन चारों क्वेश्चन को एक बार करके देखिए आप किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है करके देखिए तो बच्चों आपने कर ही लिया होगा ये क्वेश्चन तो देखिए एक बार क्या है अभी तक मैंने चार क्वेश्चन समझाए देखिए मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है केवल आपको दो वर्ड बोले प्रॉफिट का मतलब होता है भाई सौ में बढ़ा के लिख दीजिए और लॉस का मतलब है सौ में से घटा के लिख दीजिए इसके अलावा एक वर्ड भी नहीं बोला और मैं गारंटी लेता हूँ इन दो वर्ड से मैं पूरा टॉपिक खत्म करा दूँ एरो को समझो बच्चों कोई फॉर्मूले नहीं होते मैथमेटिक्स में जो आपको फॉर्मूले बताते हैं शॉर्टकट बता रहे हैं उनको बोलिए है कि 10 सेकंड के अंदर कोई भी क्वेश्चन सोल्व हो सकता 10 सेकंड तो बहुत ज्यादा है बच्चों कुछ भी नहीं करना इधर जाना है या इधर जाना देखो इस क्वेश्चन को मैंने कहा 960 बेचा ये क्या है आपका विक्रम मूल्य जो हिंदी मीडियम के हैं उनको समझना होगा सेल प्राइस का मतलब होता है विक्रम मूल्य प्रॉफिट मतलब लाभ और सीपी का मतलब आपका क्रम मूल्य फर्स्ट क्वेश्चन अपन उठाते हैं क्या कहना चाह रहे हैं नाइन में बेचा यहाँ पर ज़रूर मैं पाँच दस मिनट ले रहा हूँ बच्चों इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यही बेस है मैथमेटिक्स का चाहे सी आई एस आई पढ़िए चाहे टाइम एंड वर्क पढ़िए चाहे प्रॉफिट लॉस पढ़िए चाहे परसेंटेज पढ़िए एलिगेशन मिक्सर पढ़िए एक बार अगर एरो आपको चलाना आ गया तो मेरी गारंटी है इस दुनिया में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो आप नहीं कर सको मैं पूरी मैथ एक ही तरीके से पढ़ाऊँ केवल एडवांस मैथ को उठा दीजिए वो इस तरीके से नहीं चलेगी एरो सिस्टम से बाकी पूरी मैथ दुनिया में जितनी भी मैथ बनी है वो मैं अरों से सोल्व करा दूंगा यहाँ पर मैं जरूर पाँच दस मिनट आपके लूंगा थोड़ा धीरे चल रहा हूं समझ लो मैंने नौ सौ साठ रुपये में बेचा है यह आपका सेल प्राइस है इधर ही क्यों लिखा मैंने पैटर्न बना रखा है खरीदा इधर बेचा इधर फिक्स है उधर ही लिखना बीस परसेंट का आपको प्रॉफिट हुआ है और आपसे पूछा गया है आपने खरीदा कितने का यह क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन है नाइन सिक्सटी में आपने बेचा है और 20% परसेंट का आपको लॉस हुआ आपने खरीदा कितने का तीसरा क्वेश्चन है 60 में आपने खरीदा है और 20% परसेंट आपने कमाया है तो आपने बेचा कितने का और ये क्वेश्चन है सिक्सटी में आपने खरीदा है और आपको बीस परसेंट का लॉस हुआ है तो बताइए आपने बेचा कितने का ये चार क्वेश्चन है चार अरुआ भूल जाइए क्वेश्चन क्या क्या तुम इसको देख के नहीं बोल सकते क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है क्या आपको थ्योरी देने की जरूरत है क्या बड़े बड़े क्वेश्चन को आप एरो में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं? और एरो चलाना आ गया तो क्वेश्चन एक सेकंड में सोल्व हो जाएगा यहां पर आइए बीस परसेंट प्रॉफिट है डेफिनेशन वही सो की चीज कितना बच्चों एक सौ बीस नाइन सिक्सटी को खींचना एक किनारे से दूसरा किनारा आ जाता एक एरो पे दो वैल्यू होनी चाहिए तीसरी आ जाती बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है एक एरो पे दो वैल्यू है तो तीसरी आ जाएगी 960 को आपको खींचना है ये लीजिए 960 किधर खींचना है आपको इधर इधर जाना है इधर जाओगे तो ऊपर क्या रहेगा 100 और नीचे 120 फिर क्लियर कर देता हूँ जिधर जाना है उसको ऊपर लिखिए इधर जाना है तो 100 ऊपर रहेगा यहाँ पर आइए 960 डेफिनेशन दे दो 20% परसेंट लॉस का सो का मतलब अस्सी यानी सो की चीज़ 80 में बिकेगी ये 20 परसेंट लॉस का मतलब सो ही क्यों ले रहा हूँ बार बार बता रहा हूँ कि सौ में बीस परसेंट डायरेक्टली कम हो जाता है सौ का बीस परसेंट बीस होता है तो डायरेक्टली कम करके अस्सी लिख देंगे यहाँ पर आप अस्सी भी ले सकते हो लेकिन अस्सी का बीस फिर आपको सिक्सटीन कम करना होगा कॉमन सी बात है बच्चों आप हंड्रेड ही लीजिए क्यों मैथमेटिक्स को ले जा रहे हो हंड्रेड माइनस ट्वेंटी कितना हो गया एटी आप नाइन सिक्सटी को इधर खींचिए नाइन सिक्सटी को इधर खींचेंगे तो ऊपर क्या रहेगा हंड्रेड नीचे क्या रहेगा एटी जिधर जाना है बच्चों उसको ऊपर लिखना इधर जाना है इसको ऊपर लिखना यहाँ पर आइए 20 परसेंट प्रॉफिट है सौ की चीज कितना बच्चों 120 अब आपको इधर नहीं जाना बच्चों अब आपको उधर जाना है इस किनारे को एजिटी लिख दो साठ को एक किनारा लिखना है इस किनारे से दूसरा किनारा आ जाता है यही मैथमेटिक्स सा। सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से हो जाएंगे आपको इधर जाना है ऊपर रहेगा क्या रहेगा ऊपर बताइए उधर जाना है ऊपर रहेगा वन ट्वेंटी नीचे क्या रहेगा हंड्रेड यानी आपने कितने में बेचा उसको बेहतर ये रुपया ये रुपया इनका अंतर रुपया ये परसेंट है किसका है इसका है ये रुपया है ये भी रुपया है ये परसेंट है ये परसेंट किसका परसेंट है सिक्सटी का अच्छा प्रॉफिट रुपये पूछे तो बारह रुपया अच्छा ये बताइए बीस परसेंट की चीज़ कितना बच्चों अस्सी कॉमन सी बात है इसको इधर खींचना है सिक्सटी किधर जाना है इधर 80 अपॉन हंड्रेड एट्टी अपॉन हंड्रेड तो सोल्व करेंगे ये कितना आ जाएगा 48, यानी आपने इन क्वेश्चन को देखा होगा क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है या तो आपको इधर जाना है या आपको इधर आना अच्छा ये गोला आ गया ये क्या है ये क्या है बच्चों ये आपका सी पी है अच्छा ये क्या है बच्चों ये आपका सी पी है बारह सौ रुपये कॉमन सी बात अगर ये आ गया ये आ गया तो ये एक सौ आ जाएगा ये आपका प्रॉफिट है यह आपका प्रॉफिट परसेंट है अच्छा ये रुपया ये रुपया ये रुपया ये परसेंट है किसका परसेंट है इसका ये रुपया है ये रुपया ये लॉस है लॉस कितना है टू फोर्टी रुपये अच्छा किसका परसेंट है ये इसका है अच्छा ये रुपया है ये रुपया है प्रॉफिट कितने रुपए का बारह रुपये का ये परसेंट है किसका परसेंट है इसका क्योंकि बाई डिफॉल्ट प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा किसका होता है सी का ये रुपया है ये भी रुपया है हानि कितने रुपए की बारह रुपए की परसेंट हानि कितनी बीस परसेंट किसका बीस परसेंट साठ का मेरे हिसाब से अहर समझ में आ गई होगी इधर जाना है तो ये डेफिनेशन है अगर इधर जाना है तो इसको ऊपर लिखिए और इधर जाना है तो इसको ऊपर लिखिए एक या रुपये दो वैल्यू है तीसरी आ जाएगी दस परसेंट प्रॉफिट का क्या मतलब है सौ की चीज़ एक सौ तो दस दस, दस परसेंट लॉस का क्या मतलब है सौ की चीज़ निब फिर आपको जिधर जाना है उसको ऊपर लिखिए थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं देखिए बच्चों इसी क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ाता हूँ मान लीजिए क्वेश्चन यह है कि पहले कोई चीज सात सौ बीस रुपये की जाती थी यह पहले जाती थी बेची जाती थी जो एस पी है वो सात सौ बीस रुपये और उसको प्रॉफिट जो होता था वो होता था बीस परसेंट अब वो उसको कितने में बेचे ताकि जो नया प्रॉफिट है ये जो नया प्रॉफिट है वो कितना परसेंट हो जाए उसको 25 परसेंट इस क्वेश्चन को समझना क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा किसी आर्टिकल को पहले 720 में बेचता था तो 20 परसेंट का प्रॉफिट होता उसे कितने में बेचना चाहिए ताकि 25 परसेंट का प्रॉफिट हो जाए मैं वापस समझाऊंगा लेकिन क्वेश्चन की आप खुद समझ सकते हो बच्चों एरो बनाने से आपको खुद को पता चल जाएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है इतने बड़े क्वेश्चन को देख के डरने की जरूरत नहीं है आपको क्वेश्चन स्पष्ट कह रहा है कि पहले सात सौ में बेचता था और उसको बीस परसेंट का प्रॉफिट होता था तो वो अब उसको कितने में बेचे ताकि उसको 25 परसेंट का प्रॉफिट हो जाए मेरे हिसाब से सबके समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन क्या है खुद के क्वेश्चन खुद बनाइए और खुद किताब लिखिए दूसरों की किताब से पढ़ने की जरूरत नहीं है खुद कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो क्या कह रहा है पहले 720 में बेचा 20 परसेंट का प्रॉफिट हुआ कितने में बेचना चाहिए ताकि उसको 25 परसेंट का प्रॉफिट हो यानी पहले वाले दो क्वेश्चन को मिला के अब तीसरा क्वेश्चन बन गया चलो बोल के बताओ क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है पहले 720 में बेचता था तो 20 परसेंट का प्रॉफिट होता था उसे कितने में बेचा जाना चाहिए ताकि अब पच्चीस का प्रॉफिट हो क्वेश्चन चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर अगर नहीं समझ में आया आपके तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ तो बच्चों देखिए ये क्वेश्चन ये है कि किसी वस्तु को सात सौ में बेचने पर बीस का प्रॉफिट होता है तो पच्चीस का प्रॉफिट कमाने के लिए उसे कितने रुपये में बेचा जाना चाहिए ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा बच्चा उसको टच भी नहीं करता है और वो ये कहता है कि सर पता नहीं क्या था लेकिन देखो आप सिस्टमेटिक चलो किसी वस्तु को सात सौ में बेचने पर ये लीजिए 720 में आपने बेचा 20 परसेंट का प्रॉफ़िट होता है ये लीजिए यहाँ यह आ जाएगा तो 25% परसेंट का प्रॉफिट कमाने के लिए आपको 20 नहीं अब 25% परसेंट कमाना है उसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए आपका टारगेट यह है बच्चों ये लीजिए क्वेश्चन कौन कहता है ये सोन नहीं होगा एक सेकंड में हो जाएगा अगर आपने एरो समझ लिया एरो क्या करती है दो वैल्यू है तीसरी आ जाती है यह लीजिए दो वैल्यू तीसरी आ जाएगी फिर दो वैल्यू तीसरी आ जाएगी यहाँ पर आइए बीस प्रॉफिट सो की चीज एक बीस पच्चीस परसेंट प्रॉफिट सो की चीज एक सौ पच्चीस ये लीजिए ये डेफिनेशन है बीस परसेंट प्रॉफिट की कि सौ में खरीदो तो एक सौ बीस में बेचो ये डेफिनेशन है पच्चीस परसेंट प्रॉफिट की कि सौ में है खरीदा है तो एक सौ पच्चीस में बेचो क्या इससे इससे ये नहीं आएगा आएगा क्या इससे इससे ये नहीं आएगा बिल्कुल आएगा कैसे देखिए वही सेवन ट्वेंटी किधर खींचना है इधर ऊपर 100 नीचे कितना 120 ट्वेंटी कैंसिल कर देते हैं ये कितने रुपए में आ, ये हो गया 600 हंड्रेड यहाँ पर हो गया आपका 600 क्या इससे इससे ये नहीं आएगा आ जाएगा ये लीजिए 600 हंड्रेड अब किधर जाना, जाना है आपको इधर जाना है इधर जाना है तो ऊपर क्या रहेगा वन ट्वेंटी कितना बच्चों हंड्रेड ये पूरा कैंसिल आउट कर दीजिए 701 है और ये कितना हो जाएगा 750। कॉमन सी बात है आपका ये 750 सौ आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा कितने में बेचा जाना चाहिए 750। वापस क्लियर कर देता हूँ क्वेश्चन था पहले 720 में बेचा जाता था 20% परसेंट का प्रॉफ़िट होता था 720 में बेचने पर 20% परसेंट का प्रॉफिट होता था कितने में बेचे ताकि पच्चीस का प्रॉफिट हो जाए इससे इससे यह आ गया और फिर इससे इससे ये आ गया कोई कहे सर इसकी क्या ज़रूरत थी ये क्यों निकाला आपने कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों मैथ में जो पूछा जाए वही आंसर आप डायरेक्टली दे सकते हो ये लाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपसे पूछा गया है ये आप डायरेक्टली भी आ सकते हो लेकिन रास्ता यही रहेगा इधर से इधर जाना और इधर से इधर आना आप बताइए 20 परसेंट प्रॉफिट सौ की चीज़ 120 25 परसेंट प्रॉफिट सौ की चीज़ आपको केवल डेफिनेशन देनी है बीस परसेंट प्रॉफिट हुआ ठीक है सो की चीज एक सौ बीस अच्छा पच्चीस परसेंट प्रॉफिट हुआ इधर सोता तो इधर एक सौ पच्चीस आपको चलना कहाँ से है बच्चों दो वैल्यू है तीसरी आ गई फिर दो वैल्यू है तीसरी आ गई सेवन ट्वेंटी को खींचना क्योंकि अपने पास वैल्यू सेवन ट्वेंटी है इसको खींच के ये लाना है अब इधर अगर खींचना है तो हंड्रेड अपॉन वन ट्वेंटी ये लीजिए इधर हंड्रेड अपॉन वन ट्वेंटी अब किधर अब इधर इधर तो ऊपर क्या रहेगा इधर जाना है तो 125, ट्वेंटी फाइव वन ट्वेंटी फाइव अपॉन हंड्रेड वन ट्वेंटी फाइव अपॉन हंड्रेड यह कैंसिल ये कैंसिल और टोटल कितना हो गया सात सौ पचास आपको ये चाहिए तो ये भरो, ये भी चाहिए तो ये लाओ ये चाहिए तो ये लाओ अच्छा वो ये कह दे कुछ भी कर सकते हो बच्चों, कुछ भी कर सकते हो मैथमेटिक्स को समझना है क्यों इतने में बेचा इतने का प्रॉफिट कितने में बेचे ताकि इतने का प्रॉफिट हो जाए इशारों से समझो किशन को इतने में बेचा तो इतने का प्रॉफिट कि हुआ कितने में बेचे ताकि ये प्रॉफिट हो जाए अच्छा 20 परसेंट का प्रॉफिट हुआ सो की चीज एक अच्छा 25 परसेंट का प्रॉफ़िट हुआ सो की चीज एक इससे इससे ये आ जाएगा और फिर इससे इससे यह आ जाएगा मतलब ये डायरेक्टली कैलकुलेशन यही कर दो ताकि सब ऊपर नीचे कट जाएंगे हंड्रेड से हंड्रेड कट जाएगा ये सिक्स टाइम वन ट्वेंटी फाइव इंटू सिक्स कितना हो गया सेवन फिफ्टी कोई कह दे सर इसका पूरा पोस्टमार्टम करके बताओ कह देंगे क्या दिक्कत है आप बताइए यहां पर प्रॉफिट एक का पहले प्रॉफिट पूछे एक बताना क्यों क्योंकि इतने में खरीद के इतने में बेचा जा रहा था तो वन का प्रॉफिट हो रहा था पहले का प्रॉफिट पूछे 120 बताना यहाँ का प्रॉफिट पूछे आपसे 150 बताना पहले का प्रॉफिट परसेंट 20 परसेंट है आज का प्रॉफिट परसेंट 25 परसेंट है क्या पूछेगा वो आपसे दोनों सेल प्राइस का अंतर पहले वाले सेल प्राइस और आज के सेल प्राइस इन दोनों का अंतर पूछे तो 30 बताना क्या पूछेगा क्या पूछेगा इस क्वेश्चन में बताइए हो सकता है कल यहां पहले लॉस होता था तो सौ की चीज़ अस्सी कर देना अभी भी लॉस हो रहा है तो सो की चीज पीछे कर देना कुछ भी चेंज कीजिए मैं एक ही क्वेश्चन से एक हज़ार क्वेश्चन बना दूंगा और फिर लिख दूंगा ये बुक मैंने लिखी है आप खुद बनाइए आपकी बुक कोई दूसरा आपको पढ़ा ही नहीं सकता मैथमेटिक्स क्या पढ़ाएगा बताइए मैथमेटिक्स बहुत कंसेपचल चीज है दस से पंद्रह मिनट आप अच्छी तरीके से वीडियो को देखिए अपने आप मैथमेटिक्स आपके समझ में आ जाएगी वापस देखिए इस क्वेश्चन को मैं वापस समझाता हूँ क्वेश्चन क्या था अपना कि पहले किसी चीज को सात सौ रुपए में बेचा गया और उसपे बीस परसेंट का प्रॉफिट हुआ अब उसे कितने में बेचा जाए कि उस पर पच्चीस परसेंट का प्रॉफिट हो जाए यह क्वेश्चन था अपना क्या आप नहीं बोल सकते इस क्वेश्चन को एरो को देख के क्या वाकई आपको शब्दों में क्वेश्चन को लिखना है क्या आपको पूरी थ्योरी चाहिए नहीं इशारे से समझ में आ जाना चाहिए सेवन का बेचा तो ट्वेंटी प्रॉफिट हुआ कितने में बेचे ताकि 25 परसेंट का प्रॉफिट हो जाए कॉमन सी बात है इससे इससे यह आ गया और इससे इससे यह आ गया 20 परसेंट प्रॉफिट सो की चीज एक सौ बीस पच्चीस परसेंट प्रॉफिट सो की चीज एक सौ पच्चीस सबको पता है मैंने एक डेफिनेशन दी है पहला वीडियो देखना जरूरी है तभी सेकंड समझ में आएगा ऐसे आएगा ही नहीं अच्छी तरीके से समझना पूरा राज यही है मैथमेटिक्स का 20 परसेंट प्रॉफिट हुआ 100 में खरीदा तो 120 में बेचा 25 परसेंट प्रॉफिट हुआ 100 में खरीदा तो 125 में बेचा हां दो वैल्यू है तीसरी आ जाएगी फिर दो वैल्यू है तीसरी आ जाएगी कॉमन सी बात है आपको सेवन ट्वेंटी को खींचना है देखिए चन्ना कहां से ये क्लियर कर लीजिए दो वैल्यू मिलते ही तीसरी आ जाती है एक दो तीसरी आ गई एक दो तीसरी आ गई इसके लिए एक दो तीसरी आ गई फिर एक दो तीसरी आ गई अपन से जो पूछा गया वो ये है अगर वो ये कहता कि बताइए अब प्रॉफिट कितना होगा तो इन दोनों का अंतर हो जाता पहले प्रॉफिट क्या था इन दोनों का अंतर हो जाएगा दोनों सेल प्राइस का अंतर क्या है ये आ जाएगा पहले से आज कितना महंगा बिका इन दोनों का अंतर निकाल देंगे चलिए स्टार्ट करते हैं आपको सेवन ट्वेंटी इन टू किधर जाना है बच्चों इधर हंड्रेड अपॉन वन ट्वेंटी अगर इसी को सोल्व कर लूँ बच्चों तो ये आ जाएगा लेकिन यहाँ नहीं रुकना है आपको आगे जाना है अब आपको इधर जाना है ऊपर क्या रहेगा 125 नीचे कितना रहेगा 100 और सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 750 पहले माल कितने का बिकता था 720 और प्रॉफिट होता था 20 परसेंट और आज माल कितने का बिक रहा है 750 और प्रॉफिट हो रहा है पच्चीस परसेंट और ये पूछे कोई कि खरीदा कितने का गया है तो ये भी आ जाएगा बच्चों देखिए सेवन ट्वेंटी इंटू अगर मैं इसको कैंसिल कर दूँ तो ये कितना आ जाएगा छः लेकिन ये पूछा ही नहीं गया आपसे आपसे क्या पूछा गया मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा पहले इतने का बिकता था और इतना कमाता था आज कितने में बिकेगा उसको कमाई इतनी हो तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन को मैं ये कर देता हूँ चलो आप बताओ ये क्वेश्चन क्या बना सेवन ट्वेंटी में बेचने पर बीस परसेंट का लॉस होता है तो पच्चीस परसेंट कमाने के लिए उससे कितने में बेचा जाना चाहिए देखो बच्चों क्वेश्चन बदल चुका क्या चाहते हो आप इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में क्या अंतर यहाँ पर प्रॉफिट हो के प्रॉफिट हो रहा था यहाँ पर लॉस हो के प्रॉफिट हो रहा है पहले 720 में बेचता था पहले 720 में बेचता था तो 20 परसेंट का लॉस होता था अब कितने में बेचे ताकि 25 परसेंट का क्या हो जाए प्रॉफिट क्या ये नहीं हो सकता क्या हो जाएगा कैसे होगा 20 परसेंट हो लॉस हो की चीज़ अस्सी पच्चीस परसेंट प्रॉफिट की चीज़ कितना एक एक बार खींचेंगे इधर और एक बार खींचेंगे इधर यह लिखने की जरूरत नहीं है आपका टारगेट ये है होगा या नहीं होगा हो जाएगा कैसे लिखना है ये लीजिए सेवन ट्वेंटी पहले किधर जाना आपको इधर ऊपर क्या रहेगा हंड्रेड अच्छा नीचे क्या रहेगा एटी अब आपको किधर जाना है इधर ऊपर क्या रहेगा वन ट्वेंटी फाइव और नीचे क्या रहेगा हंड्रेड सोल कर लीजिए आंसर आ जाएगा और ये बहुत आसानी से हो जाएगा कैसे देखिए हंड्रेड से हंड्रेड कैंसिल और ये कितना नाइन टाइम्स और 125 ट्वेंटी फाइव इंटू नाइन तो नौ सौ एक हो गया आपका और दो सौ पच्चीस एक हो गया आपका कितना हो गया ग्यारह सौ पच्चीस रुपये ये कैलकुलेशन आप कर लेना लेकिन मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा हाँ और बना लीजिए लीजिए सात सौ बीस में बेचा पहले बीस परसेंट का लॉस हुआ अगर लॉस पच्चीस परसेंट होता है तो बताइए माल कितने का बेचा जाना चाहिए हो जाए कुछ भी बनाइए पहले ये होता था अब ये होना चाहिए आएगा या नहीं आएगा आ जाएगा आप बताइए 20 परसेंट लॉस 100 की चीज़ कितना 80 पच्चीस परसेंट लॉस 100 की चीज़ कितना पचहत्तर क्या अपन को ये चाहिए नहीं चाहिए अपन को यही चाहिए सेल प्राइस पूछा जा रहा हर बार अच्छा वो ये पूछे अब लॉस कितना होगा इनका अंतर निकाल दो पहले लॉस क्या होता था इन दोनों का अंतर निकाल दो क्या पूछे वही बताना है सीपी पूछे यहाँ रुक जाना है एस पूछे यहाँ रुक जाना है देखिए सेवन ट्वेंटी को खींचना है किधर खींचना है पहले इधर एक एरो पे दो वैल्यू है ये वैल्यू है और ये वैल्यू है इन दो वैल्यू से यह आएगा और फिर इन दो वैल्यू से ये आएगा इधर जाना है ऊपर हंड्रेड नीचे एटी और अभी आपको इधर जाना है ऊपर सेवेंटी फाइव और नीचे कितना हो गया हंड्रेड और इसको सोल्व कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा क्या पूछेगा वो कुछ भी पूछे आपको इसी तरीके से करना है चलिए अपन देखते हैं नेक्स्ट समझना क्या क्या समझाया मैंने पिछली स्लाइड में एक बार वापस देख लीजिए मैंने ये समझाया कि सेवन ट्वेंटी में बेचा था और बीस परसेंट का प्रॉफिट हुआ तो पच्चीस परसेंट का प्रॉफिट कमाने के लिए उसे कितने में बेचा जाना चाहिए दिमाग में क्लियर कर लीजिए शब्दों के ऊपर मत जाइए कि सर प्लस बढ़ जाए तो यह फार्मूला घट जाए तो यह फार्मूला प्रॉफिट हो तो यह फार्मूला लॉस हो तो यह फार्मूला ये प्रॉफिट ये ये हो के लॉस होता यह फार्मूला लॉस हो के प्रॉफिट हो तो यह फार्मूला ऐसा मत कीजिए पूरी मैथ एरो से बनी पूरे सिस्टम को समझ लीजिए आप यहाँ पर क्या है ये क्वेश्चन क्या है बोलना आपको आना चाहिए अगर कोई किसी बच्चे को क्वेश्चन की पहचान ही नहीं है तो क्या मैथमेटिक्स पढ़ेगा क्वेश्चन की पहचान होनी चाहिए बोलना आना चाहिए कि 720 में बेचा 20 परसेंट का प्रॉफिट हुआ उसी माल को कितने में बेचे ताकि 25 परसेंट का प्रॉफिट हो जाए टारगेट ये है कितने में बेचे ताकि उसको 25 परसेंट का प्रॉफिट हो जाए अच्छा यही क्वेश्चन यह है कि चलिए 720 में बेचा और 20 परसेंट का प्रॉफिट हुआ कितने में बेचा जाना चाहिए ताकि ये जो प्रॉफिट है ये पच्चीस लॉस में कन्वर्ट हो जाए ये लीजिए पहले प्रॉफिट था अभी भी प्रॉफिट कमाना पहले प्रॉफिट था अब लॉस कमाना है पहले लॉस हो सकता है कि 720 में बेचा किसी माल को 720 में बेचा और उसको 20 परसेंट का लॉस हुआ और कितने में बेचा जाना चाहिए ताकि उसको 25 परसेंट का प्रॉफिट हो ये हो सकता है टारगेट आपका यह है ये हो सकता है कि किसी माल को सेवन में बेचा और ट्वेंटी का लॉस हुआ और कितने में बेचा जाना चाहिए कि ताकि ट्वेंटी का लॉस हो जाए क्या होगा बताइए क्या हो नहीं सकता है? क्या हो सकता है कितने भी आप क्वेश्चन बना सकते हो मैथमेटिक्स में सबके अलग अलग फॉर्मूले हैं किसी की जरूरत ही नहीं है बच्चों एक भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है आप केवल कंसेप्ट को समझो 20 परसेंट प्रॉफिट 100 की चीज 120 20 परसेंट लॉस 100 की चीज अस्सी सो क्यों ले रहा हूं प्रतिशत डायरेक्ट जुड़ जाता है उससे क्या फ़ायदा है डेफिनेशन जल्दी बन जाती है एटी ले लूँ क्या ले लो लेकिन डेफिनेशन में टाइम लग जाएगा समय कितना हर क्वेश्चन के लिए तीस सेकेंड अगर तीस सेकेंड छोड़िए आपको केवल दो सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा लेकिन तरीके मेरे होने चाहिए और तरीके कोई अलग अलग नहीं है बच्चों पूरी मैथ का एक ही तरीका एक टॉपिक का नहीं पूरी मैथ का एक ही तरीका है एरो को समझिए दो वैल्यू है तो तीसरी आ जाएगी यहां पर आइए 20 परसेंट प्रॉफिट सौ की चीज कितना बच्चों 120 25 परसेंट प्रॉफिट सौ की चीज एक आपको 720 को खींचना है ये क्लियर कर लो 720 से ही क्यों चला वही टारगेट दो वैल्यू है तीसरी आ जाएगी फिर दो वैल्यू होगी तो तीसरी आ जाएगी क्या ये लिखना जरूरी है भाई तो पूछा है तो लिखो नहीं पूछा है तो आगे बढ़ जाओ आपसे पूछा है क्या सीपी मेरे निशारों को समझो ये क्या है एस और ये क्या है सीपी और ये क्या है नया एस आपसे पूछा क्या गया क्या ये पूछा है क्या अगर ये पूछा है तो यहां रुक जाइए और ये नहीं पूछा तो इसको क्यों लाते हो बच्चों यहाँ जाके रुकिए ना ये तो स्टॉपेज है जहाँ जाना है वो लिखिए चलिए 720 इसको इधर खींचिए ऊपर 100 नीचे 120 अच्छा 100 ऊपर क्यों आया ये तो मैं बहुत आधे घंटे से बता रहा हूँ आपको जिधर जाना है उसको ऊपर लिखिए इधर जाना है ऊपर 100 नीचे 120 इधर जाना है इसलिए ऊपर 100 लगेगा नीचे 120 अब इधर जाना है अपन यहां पहुंच गए अगर इसको सोल्व करेंगे तो अपन यहाँ पहुँच चुके हैं लेकिन अपन को यहाँ नहीं रुकना अपन को यहाँ जाना है इसलिए एक बार और झटका दीजिए इधर तो ये कितना होगा बच्चों वन ट्वेंटी फाइव अपॉन हंड्रेड सोल कर लो आंसर आ जाएगा अच्छा इसको देख लीजिए शो की चीज़ कितना बच्चों अस्सी अच्छा शो की चीज़ कितना बच्चों एक सौ पच्चीस टॉपिक का क्या नाम है प्रॉफिट एंड लॉस सो का माल अस्सी में जा रहा है बीस परसेंट लॉस का मतलब 100 का माल एक सौ पच्चीस में जा रहा है पच्चीस परसेंट प्रॉफिट का मतलब किसको खींचना है सेवन ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी को खींचना है किधर खींचना है इधर ऊपर हंड्रेड नीचे एटी और अब इधर जाना है पहले इधर तो ऊपर हंड्रेड अच्छा अब इधर तो ऊपर वन ट्वेंटी फाइव वन ट्वेंटी फाइव अपॉन हंड्रेड जिधर जाना है इस पूरे टॉपिक को अगर एक वर्ड में खत्म करूं तो ये टॉपिक इतना सा है दो वैल्यू है तीसरी आ जाएगी और दूसरा पॉइंट याद रखना है जिधर जाना है उसको ऊपर लिखिए पूरा टॉपिक यही यहाँ पर आ जाइए सौ के चीज कितना बच्चों 120 और सौ के चीज़ कितना बच्चों पिचहत्तर 720 को खींचना है अच्छा किधर खींचना है आपको इधर ऊपर आएगा 100 नीचे क्या रहेगा 120 और फिर इधर 75 फाइव अपॉन हंड्रेड ये सेवेंटी फाइव अपॉन कितना होगा हंड्रेड सोल्व कर लीजिए आंसर आ जाएगा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है सेवन ट्वेंटी में बेचा तो ट्वेंटी परसेंट का लॉस हुआ कितने में बेचा जाना चाहिए था ताकि जो सेलर है उसको ट्वेंटी फाइव परसेंट का लॉस हो कोई दिक्कत नहीं डेफिनेशन दीजिए बीस परसेंट लॉस का मतलब सौ की चीज अस्सी और पच्चीस परसेंट लॉस का मतलब सौकी चीज पचहत्तर बच्चों मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ एक वर्ड के अंदर मैथमेटिक्स के डेफिनेशन से चलती हर टॉपिक में डेफिनेशन देना और डेफिनेशन कौन डिसाइड करेगी एरो क्वेश्चन लिखना आना चाहिए क्वेश्चन को बोलना आना चाहिए कोई कहता है कि सर ये फार्मूला लगा दो वो फॉर्मूला लगा दो किसकी क्या जरूरत है अगर तुम्हारे डेफिनेशन क्लियर है तो एक भी फॉर्मूला की जरूरत नहीं ट्वेंटी परसेंट लॉस सो की चीज़ अस्सी ट्वेंटी फाइव परसेंट लॉस सो की चीज़ पिचहत्तर में जा रही है ये गोला चाहिए ये गोला ले आइए ये गोला चाहिए ये गोला ले आइए अब लॉस कितना हुआ इनका अंतर बता दीजिए पहले लॉस कितना था इन दोनों का अंतर बता दीजिए रुपया है रुपया है रुपया मतलब वैल्यूज है परसेंट है परसेंट है बिल्कुल क्लियर है रुपये पूछे रुपये का अंतर परसेंट पूछे परसेंट बताइए यहाँ पर आइए सेवन ट्वेंटी को खींचना है किधर इधर हंड्रेड अपॉन एटी अब किधर आपको जाना है इधर 75 फाइव अपॉन हंड्रेड सोल कर लीजिए आंसर आ जाए फिर अपन आगे बढ़ते हैं देखिए देखो बच्चों अभी तक अपन ने प्रॉफिट लॉस में क्या देखा अपन ने प्रॉफिट लॉस में देखा कि एक गोला भरा है तो दूसरा गोला आ जाता अब मान लीजिए गोला भरा ही नहीं है वैल्यू दे ही नहीं रखी है किसी क्वेश्चन में अगर वैल्यू नहीं देगा तो क्या होगा परसेंट पूछ लेगा परसेंट प्रॉफिट कितना है परसेंट लॉस कितना है ये पूछ लेगा अरे भाई रुपये देगा तो रुपये आएगा रुपये नहीं देगा तो रुपये में आंसर आ ही नहीं सकता केवल परसेंटेज में आंसर आएगा कॉमन सी बात है अगर रुपये देगा तो रुपये आएगा अगर रुपये नहीं है तो परसेंटेज में आंसर आएगा देखो एक क्वेश्चन है उसको देखते हैं अपन क्वेश्चन है मेरा किसी वस्तु को बेचने पर 20 परसेंट का लॉस होता इसके है इसके अपन एक एरो बनाते हैं कि इसके एरो क्या बनी कि, कि किसी वस्तु को बेचने पर आपको 20 परसेंट का लॉस होता है किसी वस्तु को बेचने पर 20% परसेंट का लॉस होता है ये लीजिए मेरा कोई रोल नहीं है बच्चों मैथमेटिक्स में कोई रोल नहीं है जो अब तक आधे घंटे में मैंने कुछ सब कुछ समझा है ना उसी से मैं पूरी मैथ खत्म कर दूँ किसी वस्तु को बेचने पर 20% परसेंट का लॉस होता है ठीक है यदि उसे 40% परसेंट महंगा बेचे ये क्या चीज़ है ये सीपी है आपका ये क्या चीज़ है ये आपका एसपी है अब वो क्या कह रहा है यदि इसे चालीस परसेंट महंगा बेचा जाए अरे भाई बेचता इतने में था महंगा बेचा जा रहा है इसका मतलब इसमें चालीस परसेंट ज़्यादा में बेचा जा रहा है एरो को इस तरीके से बनाइए आप चालीस परसेंट महंगा बेचा जा रहा है ये लीजिए चालीस परसेंट महंगा बेचा जा रहा है वो क्या है पुराना एस पी ये क्या है नया एस पी ये कह सी पी सी पी में कोई चेंज नहीं एस पी था एस पी में चेंज किया महंगा बेचा गया क्या मतलब है महंगा बेचा गया इसका मतलब ये है कि पहले जितने में बेचता था उससे 40 परसेंट महंगा बेचा गया 40 परसेंट परसेंट सीधी अर बना दो परसेंट की क्वेश्चन क्या है मैं फिर क्लियर कर देता हूँ किसी वस्तु को बेचने पर 20 परसेंट का लॉस होता है यदि उसे 40 परसेंट महंगा बेचा जाए पहले इतने में बेचता था अब इतने में बेचा जा रहा पहले क्या होता था बीस का लॉस ये लीजिए बीस अब उसे अगर चालीस महंगा बेचा जाए मतलब एस पी चालीस परसेंट बढ़ा दिया जाए इस एस पी से यह एस पी चालीस परसेंट ज़्यादा है एरो को देखिए एरो कैसे बन रही है पहले बेचने पे बीस परसेंट का लॉस होता था अगर एस पी चालीस परसेंट बढ़ा दिया जाए तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा ये न्यू एस पी है बच्चों कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा सी पी में कोई चेंज नहीं है ये पूछा जा रहा देखो बच्चों मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ ये पूछा जा रहा पहले इतने में खरीद के इतने में बेचता था अगर इसको चालीस परसेंट महंगा बेचा जाए इसका मतलब पहले इतने में ख़रीद के इतने में बेचता था अब ख़रीदता तो इतने का ही है लेकिन बेचता इतने का क्वेश्चन आप अपनी लैंग्वेज में बोल के बताइए किसी चीज़ को बीस परसेंट लॉस पे बेचा जाता था अगर एस पी चालीस परसेंट बढ़ा दिया जाए या जो बेचा जाता था उससे चालीस परसेंट महंगा बेचा जाए दोनों एक ही बात है एस पी बढ़ा दिया तो एस पी सीपी बढ़ा दिया तो सीपी शेयर से सीपी घटा दिया तो सीपी शेयर से सस्ता खरीदा तो सीपी शेयर से महंगा बेचा तो एसपी शेयर से करना कुछ नहीं क्वेश्चन को समझना कोई थ्योरी होती नहीं है कोई फॉर्मूला होता ही नहीं बच्चों एक वर्ड का टॉपिक है आप क्वेश्चन को फड़ो के ऊपर पुट कर दो हाँ अगर मान लो ये गोला देता चलिए ये गोला देता तो इससे इससे यह आ जाता और इससे इससे यह आ जाता और इन दोनों से यह आ जाता ये गोला देता तो भी इससे इससे जाता और इससे इससे आ जाता अगर यह दोनों गोले दे कब आएगा जब यह दोनों गोले दे कॉमन सी बात है इस पूरे क्वेश्चन के अंदर कहीं पर कोई गोला नहीं दे रखा कोई वैल्यू नहीं दे रखी कोई रुपए नहीं दे रखे कई रुपए की चर्चा भी नहीं हुई है बच्चों केवल क्या बताया गया आपको कि पहले बीस परसेंट का लॉस होता था अगर एस पी चालीस परसेंट बढ़ा दे तो आप कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा इसको बोलते हैं परसेंटेज ये परसेंटेज का क्वेश्चन है बच्चों इसमें रुपए नहीं ला सकते अपन लेकिन हाँ रेशो से भी परसेंटेज आ जाता है प्रॉफिट लॉस रेशो से भी आ जाता है प्रॉफिट लॉस परसेंटेज से भी आ जाता है क्वेश्चन बोल के बताइए क्या है क्वेश्चन अपने दिमाग में क्वेश्चन को सेट कर लीजिए क्वेश्चन क्या है बीस परसेंट का लॉस होता था अगर एस पी चालीस परसेंट बढ़ा दे कहने का मतलब अगर चालीस परसेंट महंगा बेचे तो अब कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा एक क्वेश्चन से आप हजारों क्वेश्चन बना सकते हो अगर ये क्वेश्चन आपके समझ में आए तो लीजिए प्रतिशत का क्वेश्चन है कोई गोला नहीं दे रखा आप एक काम कीजिए किसी एक गोले को भर लीजिए ये गोला भरते ही इससे इससे यह आ जाएगा और इससे इससे यह आ जाएगा और इन दोनों से फिर यह आ जाएगा कहने का मतलब अगर गोला भरा हुआ नहीं है तो आप अपनी तरफ से कोई भी गोला भर लीजिए कितना भरोगे अभी तो चलो अपन सो ले लेते हैं लेकिन आगे जब नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसमें अपन शो भी नहीं लेंगे अपनी मर्जी से जो अपन को अच्छा लगेगा जो अपना आंसर दस सेकेंड के अंदर दे देगा केवल वही लेके चलेंगे और वो कैसे लेंगे वो हम बताएंगे आपको चलिए यहाँ पर मैंने लिया सो सौ में से परसेंट डायरेक्ट कम हो जाता है कितना हो गया अस्सी एक वैल्यू डेफिनेशन देना चाहो दे दीजिए बाकी आप सबको पता है कि सौ में से परसेंट डायरेक्ट कम हो जाता है So, अगर सौ से कोई एरो निकली है तो डायरेक्ट कम कर दीजिए कितना हो गया एटी अब एटी दो वैल्यू है तीसरी आ जाएगी चालीस परसेंट बढ़ जाना मतलब जिधर एरो निकली है ये सो है बढ़ जाना इसका मतलब एक सौ चालीस चालीस परसेंट बढ़ जाना वो सो है तो ये एक सौ चालीस चालीस परसेंट घट जाना वो सो है तो ये साठ जिधर से एरो निकली है वो सौ होता हमेशा पहले एरो ऐसे निकल रही थी सो की चीज़ अब एरो ऐसे निकल रही है तो सो की चीज़ ऐसे लिख दो क्या फ़र्क पड़ता है आज जी 80 को खींचना इससे इससे यह आ गया अब इससे इससे यह आ जाएगा किधर जाना है नीचे नीचे जाना है तो 140 ऊपर रहेगा नीचे क्या रहेगा 100 कैंसिल कर दीजिए ये कितना हो गया 2 और ये कितना हो गया वन वन टू डबल ज़ीरो डबल ज़ीरो कट गया और 14 इंटू एट कितना हो गया वन वन टू माल आ रहा है हंड्रेड का जहाँ कितने का रहा है वन वन टू इस सौदे में प्रॉफिट हो रहा है कितने रुपये का बारह वैल्यू में बारह का और अगर परसेंट चाहिए तो बच्चों ऐसे भी एरो किससे निकली है सौ से तो जो प्रॉफिट होगा परसेंटेज ही होगा या ट्वेल्थ के नीचे क्या लगेगा हंड्रेड इंटू हंड्रेड यानी इस सौदे में आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया बारह परसेंट वापस सुन लीजिए सिंपल सा कंसेप्ट है उसमें और इसमें क्या अंतर है उसमें गोला भरा था गोला भरा था तो सारे गोले भर गए थे एक वैल्यू थी सारी वैल्यू आ गई थी यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं अपनी तरफ से वैल्यू मान लो क्योंकि परसेंटेज मानने से नहीं चेंज होता है रुपये ज़रूर चेंज हो जाता है रुपये क्वेश्चन में है ही नहीं रुपये अपन बता भी नहीं सकते कोई पूछे अब कितने रुपये का प्रॉफिट हुआ नहीं बता सकते क्योंकि क्वेश्चन में कहीं रुपये है ही नहीं अगर क्वेश्चन में एक भी रुपया होता बच्चों तो आंसर आपको रुपए में मिल सकता था लेकिन क्वेश्चन में अगर परसेंटेज ही है तो बच्चों आपको आंसर केवल परसेंटेज में ही मिलेगा मैं वापस क्लियर कर देता हूँ पहले जब बेचा था तो 20 परसेंट का लॉस हुआ अगर एसपी 40 परसेंट बढ़ा दे तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ शहरों निकली ये हो गया खरीदता उतने का ही है लेकिन बेचता इतने का है पहले इतने में ख़रीदता था इतने में बेचता था आज इतने में ख़रीद कर बेच इतने का रहा है तो आज का प्रॉफिट पूछा जा रहा है सौ में ख़रीद कर अगर कोई एक सौ बारह में बेचे तो प्रॉफिट हो रहा है बारह का और परसेंटेज प्रॉफिट चाहिए तो ट्वेल्व अपॉन हंड्रेड इंटू हंड्रेड इसका मतलब बारह परसेंट का प्रॉफिट है अगर मान लो बच्चों आप एक बार बताइए ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है समझना ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है पहले 20 परसेंट का लॉस होता था पहले 20 परसेंट का लॉस होता था समझना 20 परसेंट का लॉस होता है अगर एस 40 परसेंट कम कर दे 40 परसेंट कम कर दे तो अब कितने का लॉस होगा क्या आपके क्लियर हो गया क्वेश्चन आप बना सकते हो हजारों करोड़ों क्वेश्चन बना सकते हो क्वेश्चन आपकी लैंग्वेज में बोल के बताइए देखिए मैथमेटिक्स का एक उसे है जो क्वेश्चन बोलना सीख गया और मैथमेटिक्स करना भी सीख गया किसी टीचर की या फिर किसी शॉर्टकट मेथड की आपको कोई जरूरत ही नहीं है आप बताइए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा बोल के बताइए कि किसी भी आर्टिकल को बेचने पर 20 परसेंट का लॉस होता है यदि उसका एस पी परसेंट कम कर दिया जाए यानी 40 परसेंट सस्ता बेचा जाए तो अब उसको कितने परसेंट का लॉस होगा हो जाएगा गोले खाली है एक गोला भर लीजिए ये शो ये कितना हो गया अस्सी सौ में से परसेंट डायरेक्ट कम हो जाता है अभी जस्ट बताया था ये कितना हो गया एटी अब एटी से ये लाना है बोलो ये कितना होगा सौ सौ में से चालीस कम करना मतलब साठ अगर ऊपर सौ है तो ये साठ हो जाएगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्टी परसेंट लेस अगर ये हंड्रेड है तो फोर्टी कम करके ये सिक्सटी होगा हंड्रेड का आइटम सिक्सटी में जा रहा है आपको इसको नीचे खींचना है एट्टी को एट्टी इंटू नीचे लाइए सिक्सटी अपॉन हंड्रेड ये कितना हो गया बच्चों ये हो गया 48 यानी माल जो शोका आता है वो अब कितने का जा रहा है 48 इसका मतलब जो लॉस हुआ लॉस क्या है बच्चों इन दोनों का अंतर ये क्या है सी ये क्या है एस ये क्या है नया एस ये क्या है सी पी में कोई चेंज है नहीं है एस में चेंज है अब इतने में खरीद के इतने में बेचा जा रहा है तो लॉस इन दोनों का अंतर कितना है फिफ्टी परसेंट लॉस चाहिए तो इसका मतलब 52 उसके नीचे क्या लगेगा हंड्रेड क्यों क्योंकि प्रॉफिट लॉस हमेशा किस पे निकाला जाता है सीपी इसलिए ये परसेंटेज कितना आएगा 52 परसेंट का लॉस कॉमन सी बात है महंगा बेचा गया सस्ता बेचा गया अब इसी क्वेश्चन को अपन आगे बढ़ा देते हैं सस्ता खरीदा भी तो जा सकता है तो क्या अलग फॉर्मूले यूज करूंगा नहीं बच्चों केवल आपको एरो बनानी आनी चाहिए महंगा बेचा ये सीपी ये एसपी महंगा बेचा यहां से एरो सस्ता खरीदा यहां से एरो सस्ता महंगा खरीदा यहाँ से है रो, सस्ता बेचा यहाँ से है रो, बेचा तो यहाँ से है रो, खरीदा तो यहाँ से रो चलिए अपन एक क्वेश्चन लेते हैं समझ लो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किसी वस्तु को बेचने पर 20 परसेंट का प्रॉफिट होता किसी वस्तु को बेचने पर 20 परसेंट का प्रॉफिट होता है ये लीजिए 20 परसेंट का प्रॉफिट होता बच्चों मेरा कोई रोल ही नहीं है मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूँ मेरा यहाँ पर कोई रोल नहीं है मैथमेटिक्स में कोई रोल नहीं है किसी भी टीचर का आपको केवल लैंग्वेज बोलनी आनी चाहिए और एरो चलानी आनी चाहिए किसी वस्तु को बेचने पर 20 परसेंट का प्रॉफिट होता है ये लीजिए यदि उसे 20 परसेंट सस्ता खरीदा गया ये लीजिए 20 परसेंट सस्ता खरीदा गया अब इतने में ख़रीदा जा रहा है तो उस पर कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा अब आपसे ये पूछा जा रहा है एक बार बताओ बच्चों ये क्या कह रहा है इतने में खरीदता था इतने में बेचता था सस्ता खरीदा मतलब इतने में खरीद रहा है लेकिन बेच इतने का ही रहा है तो अब आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा क्या आप नहीं कर सकते क्या चेंज है गोले खा ली है क्या करें गोला खा लिया तो अपनी तरफ से ले लो कितना ले कुछ भी ले लो ईजी क्या रहेगा ईजी ये है कि आप हंड्रेड लेके चलो ज़्यादा बेस्ट रहेगा और बाकी अगर आपको लगे तो बाद में फ्रैक्शन पढ़ेंगे अगले वीडियो में तो उसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा चलिए हंड्रेड ले लेते हैं माना पहले सीपी कोई एक गोला भर लीजिए और उसी गोले से अपन को सारे गोले पे जाना है बच्चों एक बच्चे ने क्या किया ये भी हंड्रेड ये भी हंड्रेड ये हंड्रेड बोलता है नो प्रॉफिट नो लॉस केवल एक गोला भर सकते हो मैं तो उसी गोले से अपन को सभी गोले भरने अगर वो एक गोले से चाहे ये भर लो क्या फर्क पड़ता है इससे इससे यह आ जाएगा इससे इससे यह आ जाएगा इन दोनों से फिर यह आ जाएगा गोला केवल एक भरना है और उस गोले से अपन सारी कनेक्टिविटी दे सकते हैं क्यों क्योंकि अपन ने पढ़ लिया है कि रोकाम कैसे करती है। गोला केवल एक ही भरना है। अगर मान लो फर्स्ट गोला भर दिया तो इससे इससे यह आ जाएगा और इससे इससे ये भी आ जाएगा और ये दोनों आ गए तो ये आ जाएगा अपना टारगेट क्या अपना टारगेट ये और ये कब आएगा जब ये और ये आएगा ये दोनों आएंगे तभी आएगा ना तो नहीं आएगा अच्छा गोला कितना भर सकता हूं केवल एक तो फिर ये कैसे लाऊँ बता रखा है बता रखा है ये दोनों होगा तब ये आएगा अपना टारगेट जो है वहां पहुंचना है आपको वो टारगेट परसेंटेज प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस परसेंट भी हो सकता है सीपी भी हो सकता है एसपी भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है जो आपसे बोला जाए वो कीजिए आप क्वेश्चन को मैं फिर क्लियर कर देता हूँ किसी वस्तु को बेचने पर 20 परसेंट का प्रॉफिट होता है सबको पता है प्रॉफिट यहाँ आएगा सीपी ये और एसपी ये अब वो कह रहा है सस्ता खरीदा ये लीजिए महंगा बेचता तो इधर आ जाता सस्ता खरीदा इतना सीपी में चेंज किया एसपी में कोई चेंज नहीं इतने में खरीद रहा है और इतने में बेच रहा है हो जाएगा प्रॉफिट लॉस चलिए स्टार्ट करता हूँ ये शो है तो ये कितना हो गया एक सौ बीस शो में बच्चों डायरेक्टली प्रतिशत जुड़ जाता है मेरा पहला वीडियो बहुत धीरे दीर धीरे चल रहा हूँ मैं इसलिए धीरे धीरे चल रहा हूँ कि एक बार अगर ये टॉपिक आपके सामने आ गया ये हेरों सामने आ गई तो बच्चों में पूरी मैं तरह से पढ़ाता हूँ और पूरी मैथ तीन घंटे की है बच्चों जो ये लोग कहते हैं तीन महीने की मैथमेटिक्स है छः महीने की मैथमेटिक्स है ये सब झूठ पूरी मैथ केवल तीन घंटे की है आप अगर तरीके से चले या रु को समझ लिया हो सकता है पहला वीडियो आपके कम समझ में आए लेकिन अगर आपने एक दो बार देखा इसको और अगर समझ में आ गया तो ये मान के चलिए एस के अंदर दो में से दो नंबर आपके हैं एक नंबर भी आपका नहीं कट सकता दुनिया के सारे क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर आएंगे टप से टप आप बोल दीजिए ये क्वेश्चन करना है सारे क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड के ऊपर कराऊंगा बाकी मैं ऐसे भी नहीं छोड़ूंगा बच्चों प्रत्येक क्वेश्चन आपके पास आएगा प्रॉफिट लॉस ही मैं इतने डीप में ले जाऊंगा लगभग दस से बारह घंटे आपको लग जाएंगे इस प्रॉफिट लॉस के अंदर अंदर एक पहला वीडियो देखोगे तो दूसरा सन में आएगा दूसरा देखोगे तब तो तीसरा सन में आएगा मेरी वीडियो बिल्कुल कनेक्टेड है अगर आपने डायरेक्टली तीसरा देखने की कोशिश की है बच्चों आप तुरंत बंद कर दोगे नहीं देख पाओगे नहीं समझ पाओगे सब लिंकिंग है मैथमेटिक्स यहाँ पर आइए क्वेश्चन को वापस पढ़ो किसी वस्तु को बेचने पर 20 परसेंट का प्रॉफिट होता है यदि उससे 20 परसेंट सस्ता खरीदे खरीदा सस्ता खरीदा 20 परसेंट सस्ता खरीदा जाता है तो उस पर कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा ये खरीदा है और ये अब बेचा है और आज का प्रॉफिट पूछा बच्चों सौ में से बीस कितना हो गया अस्सी डायरेक्ट कम कैसे किया गुरु जी अगर एरो सौ से निकले तो डायरेक्ट जोड़ दो और डायरेक्ट घटा दो एरो सौ से निकलिए डायरेक्ट जोड़ दिया एरो सौ से निकलिए डायरेक्ट घटा दिया आज माल आ रहा है अस्सी का लेकिन जा एक सौ बीस का रहा है आपसे ये नहीं पूछा आपसे ये पूछा गया है प्रॉफिट परसेंटेज क्या है तो प्रॉफिट कितना है यहाँ पर चालीस प्रॉफिट चालीस का है देखिए वैल्यू में लेकिन अगर प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए तो चालीस लेकिन आज का सी पी कितना आपका एटी वहां पर क्या अंतर है उस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में क्या अंतर है वहां सीपी में चेंज नहीं था इसलिए परसेंटेज निकालते समय सो ही नीचे यहां पर सीपी में चेंज है यहाँ सीपी कितना आपका आज इतने में खरीद के इतने में बेच रहा है आज का प्रॉफिट पूछ रहा है आज माल कितने का आया एटी फोर्टी अपॉन एटी इंटू हंड्रेड आज अपन को जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने परसेंट का हो रहा है पचास परसेंट मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा दोनों क्वेश्चन में क्या अंतर है दोनों क्वेश्चन में ये अंतर है बच्चों पहले महंगा बेचा जा रहा था और आज सस्ता खरीदा जा रहा है एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं अपन और क्या बन सकता है हो सकता है एसपी में भी चेंज कर दे हो सकता है सीपी में भी चेंज कर दे देखिए परसेंटेज की एरो बिल्कुल सीधी बनाइए ये लीजिए परसेंटेज ये लीजिए परसेंटेज एरो सो से निकलिए डायरेक्ट जोड़िए एरो सो से निकलिए डायरेक्ट घटाइए और अगर एरो सो से नहीं निकलिए तो फिर डेफिनेशन दीजिए सो की चीज कितना शो का माल कितने में जा रहा है सो का माल कितने कम में जा रहा है कितना ज्यादा में जा रहा है देखिए क्वेश्चन समझने की कोशिश करना क्या कह रहा है किसी वस्तु को बेचने पर 20 परसेंट का प्रॉफिट होता है अब तो दिमाग में आ ही गया होगा बच्चों एक घंटा हो गया पढ़ाते पढ़ाते किसी वस्तु को बेचने पर बीस परसेंट का प्रॉफिट होता है ये एरो बन गई बीस का प्रॉफिट यहाँ आ गया सस्ता खरीदा इधर महंगा बेचा इधर सीपी इधर एसपी इधर सो से निकले डायरेक्ट जोड़ दो सो से निकले डायरेक्ट घटा दो सो से नहीं निकले बच्चों डेफिनेशन से चलो खरीदा जाता था बेचा जाता था पहले प्रॉफिट होता था आज इतने का खरीदा जाता आज इतने का बेचा जाता है विचार कीजिए क्या कहना पढ़ो किशन किसी वस्तु को बेचने पर बीस परसेंट का प्रॉफिट होता किसी वस्तु को बेचने पर बीस परसेंट का प्रॉफिट होता यदि उसे पच्चीस परसेंट महंगा बेचे ये लीजिए 25 परसेंट महंगा बेचे बच्चों क्या ये चेंज नहीं हो सकते सस्ता बेचे महंगा बेचे सब चेंज हो सकता डेफिनेशन दे दो बस यदि उसे पच्चीस परसेंट महंगा बेचे और पच्चीस परसेंट सस्ता खरीदे लीजिए इस बार दोनों में चेंज कर दिया ये लीजिए ये लीजिए ये क्या न्यू सीपी है ये क्या न्यू एसपी है 25% परसेंट सस्ता खरीदे 25% परसेंट महंगा बेचे तो उस पर कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा आज ये पूछा जा रहा अरे बच्चों कुछ भी कीजिए ना क्या ये तुम्हारे समझ में नहीं आया आ गया होगा महंगा खरीदा प्लस पच्चीस हो जाता महंगा बेचा प्लस पच्चीस हो जाता कॉमन सी बात है जैसा बोले वैसे कन कन्वर्ट कर दो प्रॉफिट लॉस ही नहीं होता कम ज़्यादा ये सब प्रॉफिट लॉस ही होता है यहाँ पर आइए प्रतिशत का क्वेश्चन कई रुपए है ही नहीं अगर एक भी रुपए होता मान लो ये रुपए होता थोड़ी देर के लिए मान लो ये रुपए होता तो बच्चों सब रुपए में कन्वर्ट हो जाता इससे इससे यह आ जाता इससे इससे यह आ जाता इससे जाता। इससे ये भी आ जाता और इन दोनों से ये भी आ जाता रुपये से पूरा रुपये आ जाता लेकिन रुपये है ही नहीं बच्चों रुपये है ही नहीं केवल परसेंटेज है तो आंसर भी केवल आपका परसेंटेज में ही आएगा और अब वाकई अगर आपको परसेंटेज चाहिए तो कुछ भी मान लो कुछ भी मान लीजिए परसेंटेज कभी कोई चेंज नहीं होता बच्चों लास्ट में जो पूछा जा रहा है वो वही आंसर आएगा चाहे मान के कुछ भी चलो आप चलिए कुछ भी नहीं दे रखा मैं क्या करूं कोई एक गोला अपनी तरफ से भर देता हूँ अच्छा पहुंचना कहाँ है यहां पहुंचना और यहां पहुंचना क्यों पहुंचना है क्योंकि अपना टारगेट ये है ये कब आएगा जब ये और ये आएगा तब ये आएगा तो फिर क्या करें कोई भी एक गोला ये मान लो ये मान लो ये मान लो ये मान लो ये मानोगे तो भी इससे इससे यह आएगा इससे इससे यह आएगा और इससे इससे यह आएगा एक बाबू क्या कह रहा था सारे गोले मान लो भाई मैथ पढ़ने आया मैथ पढ़ने आया सारे गोले नहीं मान सकते मैथमेटिक्स का उसूल है केवल एक वैल्यू मान लीजिए और चल दीजिए एक गोला मैं मान रहा हूं ये लीजिए सो यहां पर लीजिए ये, ये हंड्रेड 100 प्लस ट्वेंटी वन ट्वेंटी क्यों भाई सौ में डायरेक्ट जुड़ जाता है सौ से ही एरो निकली तो क्या डेफिनेशन की जरूरत है डायरेक्ट जोड़िए 100 प्लस ट्वेंटी वन ट्वेंटी हंड्रेड माइनस ट्वेंटी फाइव कितना हो गया 75 कोई प्रॉब्लम नहीं 100 में से डायरेक्ट कम 100 में डायरेक्ट जुड़ गया अगर 100 से एयरो निकलिए डायरेक्ट जोड़ दो और डायरेक्ट घटा दो अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं क्या ये हंड्रेड से एरो निकली नहीं ये ओ वन से निकल रही है एरो जाए कहीं पर भी अगर निकले हंड्रेड से तो डायरेक्ट जोड़ दो डायरेक्ट घटा दो ये एरो कहाँ से निकली है बच्चों? वन ट्वेंटी तो क्या वन ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी फाइव कर दू नहीं तो फिर क्या करूं डेफिनेशन दे दो 100 की चीज कितना बच्चों एक सौ पच्चीस पच्चीस परसेंट बढ़ जाना 100 की चीज एक सौ पच्चीस क्या करें? इस वन ट्वेंटी को खींच लो इंटू कितना वन ट्वेंटी 125 क्यों लगा इधर जाना है नीचे जाना है जिधर जाना है उसको ऊपर लिखिए आपको बच्चों इधर जाना है इसलिए 125 ऊपर आएगा नीचे क्या आएगा 100। कैंसिल कर दीजिए ये फाइव टाइम ये फोर टाइम और ये कितना थर्टी और टोटल कितना हो गया एक माल कितने का आया पिचहत्तर आज माल आ रहा है पिचहत्तर और आज जो माल जा रहा है वो कितने का जा रहा है 150 तो आज प्रॉफिट कितने का होगा अच्छा किसके ऊपर होगा सेवेंटी फाइव के ऊपर क्योंकि आज इतने में ख़रीदा जा रहा है इन हंड्रेड यानी हंड्रेड परसेंट का आपको क्या हो गया प्रॉफिट मेरे हिसाब से मैंने दोनों कंसेप्ट समझा दिए पहले वाले जितने भी क्वेश्चन थे जो भी दस क्वेश्चन मैंने लिए थे उन सब में एक चीज़ थी गोला भरा हुआ था इससे इससे ये चला गया इससे इससे यहाँ आ गया दूसरे वाले क्वेश्चन में सब में क्या था परसेंटेज में पूछा जा रहा था सस्ता खरीदा है महंगा बेचा है ये सब इस के अंदर दिया जा रहा फिर अपन आगे क्या करेंगे कल अपन नेक्स्ट वीडियो देखेंगे और उसके अंदर अपन क्या करेंगे पूरी लिंकिंग को समझ।